हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि चंडीगढ़ के गवर्नमेंट स्कूल्स में अक्टूबर में 26, 27, 28, 29 यानी कि 26 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर तक आपको ओटोमन ब्रेक मिलने वाला है। यानी कि आपको ये 4 दिन की छुट्टियां मिलेंगी, लेकिन एक्चुअल में ये 4 दिन की नहीं, 5 दिन की छुट्टियाँ हो गई हैं, क्योंकि 26 अक्टूबर को पड़ रहा है वेडनेसडे और 29 अक्टूबर को पड़ रहा है सैटरडे। यानी कि 30 अक्टूबर भी आप जोड़ लीजिए कि 30 अक्टूबर को भी आपकी छुट्टी है, क्योंकि उस दिन संडे है। अब मैं आपको ये दिन क्यों गिनवा रहा हूँ, देखिए ये दिन मैं इसलिए गिनवा रहा हूँ ताकि आपको ये पता लग जाए कि आपके एग्ज़ाम्स अक्टूबर में होंगे और बहुत कम चांसेस हैं कि अक्टूबर के बाद भी ये एग्ज़ाम्स कंटिन्यू रहें, क्योंकि ये ब्रेक की वजह से मुझे लगता नहीं है कि 5 दिन का ब्रेक आपको एग्ज़ाम्स में मिलने वाला है। यानी कि 26 अक्टूबर से पहले पहले आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ख़त्म होने की डेट तो हमें पता लग रही है कि 26 अक्टूबर से पहले पहले एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे। स्टार्ट कब होंगे फिर, स्टार्टिंग के बारे में एग्जैक्ट डेट तो नहीं अभी कही जा सकती, लेकिन इतना ज़रूर है कि अक्टूबर में स्टार्ट होंगे। और जहाँ तक उम्मीद है तो 10 अक्टूबर के आसपास मुझे लगता है एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे, 2-4 दिन पहले या लेट भी हो सकते हैं। और आज है 1 सितंबर, यानी कि आपके पास कुल मिलाकर लगभग 1 महीने के आसपास का लमसम टाइम बचा हुआ है। तो आप सभी स्टूडेंट लोग एडमिशन के चक्कर में ही मत रहिए, पढ़ाई भी स्टार्ट कर दीजिए। एडमिशन तो अपने टाइम पर जब होना है तब होगा ही।